इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एप्लीकेशन, डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइंस क्लोज टू ईच अदर। दैट मींस अगर कोई दो वेवलेंथ बहुत पास पास में है उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना। जैसा कि हम जानते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए ये कंडीशन होती है 2d = l λ फॉर डार्क फ्रिंजिस, जहाँ पर लैमडा होती है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, एन होती है नंबर ऑफ फ्रिंजिस और डी होती है डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेज, M1 और M2 के बीच की जो डिस्टेंस है इन दोनों का डिफरेंस होती है स्मॉल डी। अब यहाँ पर देखेंगे अगर स्मॉल डी में चेंज करते हैं तो वेवलेंथ में चेंज आता है। दैट मीन्स अगर M1 में हम चेंज करते हैं M1 की डिस्टेंस में तो वेवलेंथ में चेंज आता है। हमने ऐसा मान लिया कि इसमें एक्स चेंज किया, एक्स इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा n λ1। जैसा कि हम जानते हैं 2dx+, यानी कि डी में जब हमने एक्स चेंज किया तो यहाँ पर ये एन चेंज होता है। यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ फ्रिंजिस जो कि शिफ्ट हुई हैं और स्मॉल एन होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजिस। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर हमने अगर एक्स चेंज किया तो वेवलेंथ λ1 चेंज होगी या फिर n+1 λ2, और ये कॉन्स्टेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पर लिख सकते हैं n+3 λ3, कितने भी सभी क्या होते हैं ये वाली टर्म होती है कॉन्स्टेंट, क्योंकि डिस्टेंस जब कॉन्स्टेंट होती है तो ये वाली टर्म भी कॉन्स्टेंट ही होगी। तो हम लिख सकते हैं n λ1 n+1 λ2 = n+2 λ3, इस तरीके से। अब इस वाले रिलेशन से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा n λ2 λ2, इसको ले जाएंगे यहाँ पर n कॉमन आ जाएगा λ1 - λ2, इधर बच जाएगा ओनली λ2, ये वाली टर्म बन गई। उसके बाद में देखेंगे इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं n = 2x/λ, इसको इधर ले गए, ये इक्वेशन बन गए। अब ये n की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी तो आ जाएगा 2x/λ और इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा λ1 - λ2 = λ1 λ2/2x, क्योंकि जब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इधर आ जाएगी। अब ये वाली जो वेवलेंथ है हमने इसको मान लिया मीन वेवलेंथ, दैट मीन्स λ1 λ2 = λ² और इसको बोल दिया मीन वेवलेंथ, मीन या औसत, तब यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पर ये 2x, तो बेसिकली ये वो डिफरेंस है जो हमने शिफ्ट किया था ही, इसको हम आसानी से मीजर कर सकते हैं ऑलवेज कि कितना हमने शिफ्ट किया है। हमारे पास में स्केल होता है उसके थ्रू हम इस x को डिस्टेंस को मीजर कर सकते हैं क्योंकि ये हमने ही शिफ्ट किया था, और जो मीन वेवलेंथ होती है वो हमको पहले से ही पता होती है। दैट मीन्स ये वेवलेंथ ये वाली है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लाइट की वेवलेंथ ये हमको पता होती है। तो इस तरीके से किसी भी दो पास की जो वेवलेंथ होती है λ1 और λ2 हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, क्योंकि हम वेवलेंथ के बेस पर ही स्पेक्ट्रल लाइन डिफाइन करते हैं। और इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर की हेल्प से हम किन्हीं भी दो स्मॉल वेवलेंथ के बीच की डिफरेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्हीं को कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस या क्लोज स्पेक्ट्रल लाइन। थैंक यू।